हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली फैक्ट्रीज में बात की थी लैंड एनिमल्स की, और आज से ही यानी कि जो मंथ का फर्स्ट डे है, फर्स्ट ऑफ जून ऑफ 2021, आज हम एक्वेटिक एनिमल्स के फैक्ट्रीज की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लॉन फिश से। तो दोस्तों, क्या आप जानते हो जो क्लॉन फिश होती है उनकी 28 स्पीसीज इस दुनिया में मौजूद हैं, जो आज तक देखी जा चुकी हैं यानी कि खोजी जा चुकी हैं। क्या आप जानते हैं ऑल क्लॉन फिश आर बोर्न मेल? जी हाँ, वो अपनी मर्जी से अपना जेंडर चेंज कर सकती हैं, लेकिन एक बार अपना जेंडर चेंज करके वो उसको मतलब रिवर्स नहीं कर सकती, यानी कि उसको चेंज नहीं कर सकती है। क्लॉन फिशेज होती हैं वो ओमनीवोर्स होती हैं, यानी कि वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। क्या आप जानते हो कि जो प्रेडेटर्स होते हैं क्लॉन फिश के लिए वो काफ़ी कम होते हैं, यानी कि जो उनके खाने वाले होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्लॉन फिश ऑरेंज ही हो, अलग अलग तरह की क्लॉन फिशेस भी होती हैं। जो क्लॉन फिशेस होती हैं वो सरप्राइजिंगली पुअर स्विमर्स होती हैं। जी हाँ, उनको स्विमिंग में मतलब स्विमिंग करती हैं, एज यू नो दे आर फिशेस, बट वो स्विमिंग में अच्छी नहीं होती हैं ज़्यादा। नेमो का तो आपने नाम सुना ही होगा, जो कि एक मूवी भी आ चुकी है, जो सबसे वर्ल्ड की फेमस क्लॉन फिश मानी जाती है। And do you know clone fish live twice as long in the wild as in captivity? जी हाँ, twice times वो जीती हैं। Clone fishes के friends के बारे में क्या आप कुछ बता सकते हैं कि उनके best friends कौन होते हैं? तो मैं बताता हूँ, उनके friends होते हैं यानी कि उनके best friends होते हैं sea anemones, जो कि एक तरह के plants होते हैं। जानते हैं कि क्लॉन फिश को कहीं बाहर जाके अपना जो खाना होता है वो ढूंढने की जरूरत नहीं होती, वो कभी भी खाने खाने के लिए बाहर नहीं जाती हैं। Schools of clownfish have a strict hierarchy. जी हाँ, उनकी काफ़ी strict hierarchy होती है, with the most aggressive female at the top. इनकी जो top पे जो female होती है, जो उनको सिखाती है, वो काफ़ी aggressive भी होती है। जो clownfishes होती हैं वो एक warm water में रहना पसंद करती हैं, और ज़्यादातर वो sheltered reefs में और shallow seas जो होता है, यानी कि जो काफ़ी गहरा समुद्र माना जाता है, जो ज़्यादा shallow seas होते हैं उनमें रहना पसंद करती हैं, जैसे कि पैसिफिक और इंडियन ओशंस। So guys, this is the end of this video. If you like this video, comment, share and subscribe to my channel. Bye bye, see you in the next video.